टी20 वर्ल्ड कप को लेकर टीम इंडिया ने अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पहले ही पहुंच चुकी है और टीम इंडिया पर्थ में इस वक्त प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही है। टीम इंडिया को 23 अक्टूबर को होने वाले पाकिस्तान के साथ मुकाबले से पहले 4 वार्मअप मैचेस खेलने हैं, जिसमें 2 ऑफिशियल मैचेस होंगे, जहां 17 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ और 19 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया मुकाबला खेलेगी। इसके अलावा 10 और 12 अक्टूबर को टीम इंडिया जो है एक अनऑफिशियल वार्मअप मैचेस की सीरीज खेलेगी, जहां पर भारतीय टीम के खिलाड़ी पर्थ और साथ ही ऑस्ट्रेलिया की पिचेस को समझते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने पर्थ में आकर के प्रैक्टिस करना पसीना बहाना शुरू कर दिया है। भारतीय टीम के खिलाड़ी इस वक्त पसीना बहाते हुए और वर्ल्ड कप की तैयारियों को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली और साथ ही ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो की बात करें तो केएल राहुल और विराट कोहली दोनों ही लंबे छक्के लगाते हुए नजर आ रहे हैं। विराट कोहली इस दौरान ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस करते हुए और नेट पर पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही विराट कोहली की वीडियो को देखकर फैंस का कहना है कि विराट अब गेंदबाजों की खबर अच्छी तरीके से लेने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने भी तैयारियों को लेकर बातचीत की। उन्होंने BCCI के द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में कहा कि हम लोग यहां पर पहले माहौल को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मौसम को लेकर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि दिन के समय में बड़ा अच्छा और आनंदित मौसम होता है, इसके अलावा शाम के समय में देखने लायक होता है और हम इसी मौसम को इसी एनवायरनमेंट को समझ करके अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा आपको भी बता दें कि भारतीय टीम के साथ 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, जिनमें अर्शदीप सिंह, दीपक हुड्डा, युजवेंद्र चहल और हर्षल पटेल हैं। ये खिलाड़ी भी कहते हुए नजर आए कि जब आप टीम के लिए रवाना हुए और जब आपने ब्लेजर को पहना, तब आपकी जो सीना था वो गर्व से चौड़ा हो गया और आप टीम के लिए पूरी तरीके से समर्पित हो गए। बहरहाल आपको बता दें कि भारतीय टीम के खिलाड़ी इस वक्त पसीना बहाते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ये तैयारियां कितनी मजबूत होती हैं तो देखने वाली बात, क्योंकि फैंस को इंतजार है कि 15 सालों से जो वर्ल्ड कप का सूखा है वो इस साल रोहित शर्मा की कप्तानी में खत्म हो जाएगा। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।